आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक बार फिर हालत बिगड़ गए हैं। सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। वहीं तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया है। हिंसा की घटनाओं में कमी आने के बाद हाल ही में सरकार ने 23 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी थी। मणिपुर गृह विभाग की ओर से आज जारी हुई अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल की राय है कि विभिन्न चरमपंथी समूहों की हिंसक गतिविधियों की वजह से पूरे मणिपुर में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की जरूरत है। इनमें इंफॉल, लामफेट, सिटी, सिंगजामेई, सेकमाई, लामासांग, पाटसोई, वांगोई, पोरमपेट, हेईगांग, लामलाई, इरलुम, लिमाखोम, थोम्बल, विष्णुपुर, नामबोल, मोईरांग, काकचिंग और जिरीबाम भी शामिल है। हालांकि राज्य के 19 पुलिस स्टेशन में शांति है, जिन्हें अशांत क्षेत्र से बाहर रखा गया है। दरअसल राज्य में दो लापता छात्रों की मौत के बाद हालत फिर तनावपूर्ण होने लगे हैं। इंफाल शहर और घाटी के दूसरे इलाकों में छात्र उग्र प्रदर्शन पर उतर आए हैं। हिंसा की बड़ी घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन हालत फिर भी मणिपुर में लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। बुधवार की रात भी इंफाल की सड़कों पर जमकर हंगामा और प्रदर्शन हुआ। इंटरनेट सेवाएं बहाल होते ही सोशल मीडिया पर हिंसा की कई वीडियो और ऐसी जानकारियां वायरल होने लगी, जिनमें सरकार के मुताबिक बहुत सारी भ्रामक थी और अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी। मणिपुर से दो लापता छात्रों की तस्वीर और उनके मरने की खबर जब सोशल मीडिया पर सामने आई, उसके बाद घाटी के हालात एक बार फिर खराब हुए। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।